Hello, class. We are doing chapter number 19, Agriculture, and uh, we are reading about the types of agriculture or farming. And today, we will read about the one most uh, effective type of farming that is cooperative farming. It is that farming uh, in which all the farmers in a village pool their sources together voluntarily and manage the farming operation under a democratic setup the land owners share the profit in proportion to the land owned by them. in cooperative farming the farmer join a cooperative mainly for getting services which are beyond his individual capacity. thus it is an association of cultivators for better utilization of manpower and land with a view to increasing agricultural production employment and income farmers cooperative society are in charge of all aspects of farm work they purchase seed fertilizer machinery etc. And arrange for marketing of products. Cooperatives are very successful in Denmark, the Netherlands, Belgium, Norway, and Sweden, and in India. In India, it is mainly done in Maharashtra and Gujarat. तो नाम से ही पता चल रहा है कॉपोरेटिव फार्मिंग कॉपोरेट करके जहाँ पर फार्मिंग की जाती है यानी कि एक विलेज में जितने भी फार्मर्स हैं वो सारे जो भी उनके पास सोर्सेज हैं या जो उनके पास ज़मीन है एक जगह पे वो खेती की जाती है और उसको मैनेज किया जाता है डेमोक्रेटिक तरीके से यानी कि जैसे आप डेमोक्रेसी में देखते हो एक प्राइम मिनिस्टर होता है प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन बोलता है वो मानना पड़ता है वो हेड होता है तो इसलिए यहाँ इसको भी डेमोक्रेटिव सेटअप बोला जाता है क्योंकि इसमें एक कॉपरेटिव सोसाइटी बन जाती है कॉपरेटिव सोसाइटी का एक हेड होता है वो जो भी डिसीजन लेता है वो सारे फार्मर्स को मानना होता है इसका क्या फ़ायदा होता है कि जितना भी सारा जो एक फार्मिंग है वो इकट्ठे एक, एक पर्सन के यानी कि सारे मिल के करते हैं ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने खेत में ही काम करता है वो दूसरे के खेत में भी काम करेगा उसको नीड होगी तो उसको भी अपने इक्विपमेंट्स देगा अपनी मशीनरी दे देगा अपना ट्रक दे देगा ट्रैक्टर सॉरी तो इससे क्या होता है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसे यूज़ कर सकता है मान लो किसी के पास ट्रैक्टर है और तो और मान लो किसी के पास ट्रैक्टर और किसी के पास ट्रॉली है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो तो इस तरह से जो फार्मर्स हैं वो जॉइंटली फार्मिंग करते हैं कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ और फिर जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो सब में बांट दिया जाता है इस तरह की जो एसोसिएशन है ये काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें मैन पावर और लैंड दोनों का यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूस निकलता है वो भी ज़्यादा होता है और इनकम भी ज़्यादा होती है इस तरह की जो सोसाइटीज़ होती हैं ये जो इनको बोला जाता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये सारे फार्म वर्क यानी कि जितना भी खेतों का काम होता है उसकी देख करती हैं ये इनमें एक ही जो सोसाइटी इनमें जो सोसाइटी होती है वो क्या करती है सीड्स को परचेज़ भी करती है फर्टिलाइजर्स भी खरीदती है मशीनरी भी खरीदती है और फिर मार्केटिंग के लिए भी खुद ही देखती है कि कब बेचना है कब सामान लेके जाना है इस तरह से यहाँ पर कॉपरेटिव फार्मिंग की जाती है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ है कॉपरेटिव फार्मिंग डेनमार्क में बेल्जियम में द नीदरलैंड्स में नॉर्वे में और स्वीडन में और इंडिया में भी ये प्रैक्टिस जो है वो की जाती है और इंडिया में मेनली कहाँ पर की जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में नेक्स्ट जो हमारी फार्मिंग है वो है कलेक्टिव फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग इज़ वाइडली प्रैक्टिस इन सोवियट रशिया एंड सम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मेड रेडिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसज कलेक्टिव फार्मिंग इज अ वॉल्ट्रीली प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन बेस्ड ऑन सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन कलेक्टिव लेबर विच एक्सक्लूड्स एक्सप्लोटेशन ऑफ मैन बाई मैन The farm is managed by a committee headed by a farm manager. The managing committee allocates work to different labor groups called brigades. The work done by each member of a brigade is assessed and his remuneration is fixed according to the nature of the work. The farmers are given houses on the farm. They have small private plots which can be cultivated. They can keep few animals for their personal use. The average size of the farm in Russia varies from 250 hectares to टू थाउजेंड तो जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो क्या है एक गवर्नमेंट के द्वारा मॉडल दिया गया है इस मॉडल में क्या होता है कि जो फोकस है वो कहाँ किया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छी हो इसलिए सारे के सारे जो कलेक्टिवली फार्मर्स काम करते हैं इसमें और जो भी अच्छा काम करता है उसे एक रिवॉर्ड प्राइज भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है कि कलेक्टिवली गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि जो फार्मर्स हैं वो इतने सेल्फ एफिशिएंट यानी कि खुद से इतने एफिशिएंट हो जाएं कि वो अपनी प्रोडक्शन का खुद से ध्यान रख सकें यानी कि उन्हें सिखाना है तो एक सोशलिज्म टाइप का उनका मोटिव होता है और इसमें क्या होता है कि फार्मर्स अपने जो उनके पास लैंड होती है जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं जो उनके पास मशीनरी होती है वो भी लेके आती है और सब मिल काम करते हैं जैसे कि कॉपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग में क्या फ़र्क है कॉपरेटिव फार्मिंग में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि हमें प्रोडक्ट अच्छा बनाना है या कैसा करना है लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में ये गवर्नमेंट के अंडर फार्मिंग की जाती है गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि जो हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो और इसमें क्या करती है गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाती है उसमें अलग अलग ग्रुप्स बना देती है लेबर के जिनको क्या बोला जाता है बैरीगेड्स इन ग्रुप्स को बोला जाता है बेरीगेड्स और ये बैरीगेट्स जो हैं अपने हर मेंबर से के साथ काम करते हैं असेस करते हैं और एक फिक्स रेमोनरेशन यानी कि जिसको आप वेजेस कह सकते हो जब जो 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 इंसान काम करता है उसे वो फिक्स रेमोनरेशन भी मिलती है और जो फार्मर्स हैं उनके जो घर बनाए होते हैं फार्म के बीच में ही उनका घर होता है और उनके छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं जिनको वो कल्टीवेट करते हैं और साथ ही साथ कईयों ने अपने पर्सनल यूज के लिए वहाँ पर एनिमल्स भी रखे होते हैं और जो एवरेज साइज है फार्म का जो लैंड का साइज होता है वो कितना होता है टू फिफ्टी हेक्टेयर्स टू टू थाउजेंड हेक्टेयर्स नेक्स्ट द लास्ट फार्मिंग टेक्निक इज स्टेट फार्मिंग स्टेट फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस ऑन स्टेट फार्म्स इट इज़ अ टिपिकल ऑफ रशिया Uh, state farms in Russia are owned and operated by the state government, and their farm workers are paid employees. State farms are very large in size and they are developed on new virgin lands. State farm are basically research farms. They have a role in leading and improving agricultural in Russia. The use of agriculture machinery, scientific methods of farming, and diversification of crop have improved production of agricultural crops. तो जो स्टेट फार्मिंग है वो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर होती है जो हर स्टेट के फार्म होते हैं हर एक स्टेट का अपना अपना फार्म है वहाँ पर स्टेट फार्मिंग की जाती है और ज़्यादातर ये टिपिकल कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर फॉलो की जाती है रशिया में रशिया में क्या होता है ये जितनी भी लैंड होती है इनको ओन कौन करता है इसका ओनर कौन है स्टेट गवर्नमेंट आप देखोगे बहुत सारी जमीन अपने आसपास आप देखते हो जिसकी ओनर जो है वो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की जमीन है तो रशिया में क्या हो क्या होता है कि उस जमीन को कल्टिवेट किया जाता है उन पर उगाया जाता है क्रॉप्स लगाई जाती हैं और जो वर्कर्स उसको कल्टिवेट करते हैं जो लैंड को उनको क्या दिया जाता है सैलरी दी जाती है या फिर दिहाड़ी वेजेस दिए जाते हैं कुछ भी तो गवर्नमेंट उन्हें पे करती है और ये जो स्टेट फार्म होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और जैसे कि यानी कि छोटे छोटे फार्म होते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें होती हैं जिस पर कि कल्टिवेशन की जाती है और ये क्या होते हैं रिसर्च फार्म होते हैं बेसिकली रिसर्च चलती है कि अगर हम इस पौधे को इस पौधे से मिला दें तो कैसा नया चीज़ उत्पन्न होगी तो रिसर्च की जाती है अलग अलग तरीके से ताकि जो एग्रीकल्चर को है वो इम्प्रूव किया जाए अगर इसमें ये चीज़ ये वाली खाद यूज़ होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होगी तो इसलिए रिसर्च की जाती है ताकि जो एग्रीकल्चर है वो और अच्छे से समझ आए लोगों को और उसको इम्प्रूव किया जाए और मशीनरी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं फार्मिंग के क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन diver और इम्प्रूव प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टेट फार्मिंग में सो योर चैप्टर इज़ ओवर होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर थैंक यू सो मच